शिवम सिंह नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एसडी न्यूज। हम आज आपको दिखाते हैं कि राजनीतिक कहे जाने वाला जो कि रायबरेली जिला कहा जाता है और मशहूर काफी है रायबरेली जिला अपने कार्य क्षेत्र में, लेकिन वहीं पर हम आपको दिखाते हैं कि रायबरेली जिले के राही तृतीय के ग्राम पंचायत सिमरा का जो संपर्क मार्ग है नहरी चौराहा टू सिमरा बिल्कुल बहुत दयनीय स्थिति है, जो सोच के परे से बाहर। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि इतनी ये सौतेला व्यवहार ग्रामीणों के साथ क्यों किया जाता है। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं जगता, कोई भी नेता विधायक चाहे सांसद हो, चुनावी दौर में सभी आते हैं झूठे झूठे वादे करके जनता के साथ चले जाते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद एक बार भी भ्रमण नहीं करते यहाँ पर। और जैसा कि बारिश का समय है, बारिश के समय में जनता को बड़ी दिक्कत होती है आने जाने में, आवागमन में, और ये सोच के परे से बाहर है कि हम आपको क्या बताएं। और वहीं पर आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज 15 अगस्त है, 15 अगस्त के उपलक्ष्य में आज 74 साल भारत देश को आज़ाद हुए हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर अभी तक सड़कों का ये सौतेला व्यवहार, ये आप कल्पना सोच के परे से बाहर हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसी दयनीय स्थिति, कैसी दयनीय हालत है ग्राम पंचायत सिमरा के संपर्क मार्ग की। और जैसा कि सन 2017 से जिलाधिकारी डीएम जो संजय खत्री थे पूर्व जिलाधिकारी, उनके समय से इनको अवगत कराया जा रहा है कि इस रास्ते की बहुत दयनीय स्थिति है, ये सोच के परे से बाहर आप देख सकते। और वहीं पर ये जो माइनर है, माइनर का आप देख रहे हैं कि माइनर की सड़कें जो है यहाँ पर काफी टाइमों से सफाई भी नहीं हुई और जिससे लोगों को आए दिन दिक्कत होती है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किसानों के साथ कितने व्यवहार किया जाता है सौतेला व्यवहार, कि आए दिन किसानों को ना पानी मिलता है और ना खेत सींचने के लिए कुछ भी नहीं मिलता, और यहीं पर ना माइनर की सफाई होती है और न आए दिन सर पे बिच्छू सांप किसी भी प्रकार की दुर्घटना मौत को दावत देती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं और यहीं पर ये आप आगे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रास्ते हैं जहाँ पर आवागमन होता है लोगों को, और इसी गांव के रास्ते से होते हुए जो शंकरपुर इंटर कॉलेज प्राथमिक विद्यालय राणा बेनी माधो सिंह, वहां से इसी रास्ते से हजारों विद्यालय बच्चे हजारों जाते हैं पढ़ने जाते हैं, उनको आए दिन दिक्कत होती है काफ़ी, और यहीं पर एक गड्ढा होने के कारण ये पानी भरा हुआ जिसमें आए दिन मौत को दावत देती हुई यहाँ पर किसी भी प्रकार की दुर्घटनाएं हो सकती हैं वो सोच के परे से बाहर। लेकिन इस पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की, किसी भी नेता मंत्री विधायक किसी भी तरीके, देखिए बहुत कीचड़ है, हम आपको दिखा रहे हैं पास से, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से ग्रामीण जनता के साथ सौतेला व्यवहार किया जाता। किसी भी कोई भी नेता विधायक मंत्री इस सड़क से कभी नहीं आया कि इस सड़क से गरीबों का दर्द बयां हो, और जो व्यक्ति जो नेता जो जनप्रतिनिधि कहे जाते हैं बड़े बड़े दावे करके जाते हैं चुनावों के टाइम में, आज वो सारे दावे झूठे हैं, धरातल पर शून्य है। और यहीं पर ग्राम पंचायत सिमरा के ग्रामीण वासियों के साथ बहुत बुरी तरह से सौतेला व्यवहार किया जाता है, और यहीं पर की नहर विभाग भी लापरवाह है, और यहीं पर नहर का पुल विगत 6 वर्षों से टूटा पड़ा हुआ है, नहर विभाग भी नहीं ध्यान दे रहा, न कोई प्रशासनिक अधिकारी ध्यान दे रहा, न इस रास्ते न गांव के विकास के लिए ग्राम प्रधान भी नहीं ध्यान दे रहे हैं, पूरी तरीके से अपना भरण पोषण कर रहे हैं जनता जनप्रतिनिधि कहे जाने वाले नेता विधायक सांसद मंत्री, सभी की आंखों में पट्टी बंधी हुई है, प्रशासन इस पे ध्यान नहीं देती है। सन 2017 से संजय खत्री के समय से बराबर प्रशासन को अवगत कराया जाता है, एप्लीकेशन दिया जाता है, ये सड़क की दुर्दशा देखिए, ये मौत को दावत देती, लेकिन इस पे किसी भी प्रशासनिक अधिकारी की, किसी भी नेता मंत्री विधायक किसी की भी इस पे नजर नहीं पड़ती। जैसा कि अभी ग्राम प्रधानी का चुनाव आने वाला है, जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, सभी जनप्रतिनिधि जितने बड़े उम्मीदवार हैं सब बड़े बड़े दावे करके जाते हैं, लेकिन गांव के ग्रामीण विकास के लिए कोई कोई व्यक्ति सामाजिक हो या जनप्रतिनिधि हो या जिला पंचायत हो या ग्राम प्रधान हो, कोई भी गांव के विकास के लिए आगे नहीं आते हैं, और ये बहुत दयनीय स्थिति है। और यहीं इसी रास्ते से अब लोगों ने आना जाना भी कम कर दिया है, आवागमन अब दूसरे रास्ते से आते जाते हैं, क्योंकि ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, हम आप खुद देख सकते हैं कि हकीकत कुछ और बयां कर रही है, इतना मौत का मंजर जो दावत दे रही है ये सड़क, कि किसी भी अगर यहीं पर
किसी भी महिला को सरकारी अस्पताल, जिला अस्पताल रायबरेली प्रसव के लिए डिलीवरी के लिए ले जाना हो तो मानव जान की आफत है। वो अस्पताल बाद में पहुंचेगी लेकिन ऊपर पहले जरूर पहुंच जाएगी, क्योंकि ये रास्ते वो दर्द बयां करते हैं। जितना टाइम, जितना समय रायबरेली से नारी चौराहा आने में लगता है उससे दुगुना टाइम मात्र इस 3 किलोमीटर के रास्ते में लगता है। ग्राम पंचायत सेमरा की ये सड़कें हैं, आप देख रहे हैं कि गांव वालों के साथ, ग्रामीणों के साथ कैसा सौतेला व्यवहार किया जाता है, ये सोच के परे से बाहर है। और इस न्यूज के माध्यम से सारे प्रशासन, प्रतिनिधि, सांसद, विधायक, हर किसी से मैं निवेदन करता हूं कि इस न्यूज के माध्यम से इस गांव की ओर ध्यान दें, क्योंकि आगामी चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। कैमरामैन सूरत के साथ मैं शिवम।